पूंछ लिंक कप दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। 73वें पूंछ लिंक कप दिवस के उपलक्ष्य में पूंछ ब्रिगेड द्वारा विभिन्न प्रकार के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। पूंछ स्टेडियम में 73वें पूंछ लिंक कप दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन सेना की दुर्गा बटालियन द्वारा किया गया, जिसमें जिला की 10 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान अंतर रेखा पर तैनात सेना की दुर्गा बटालियन के कमांडर विशेष तौर पर पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाते हुए युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को कहा। उद्घाटन समारोह के दौरान पूंछ वॉरियर्स और यंगस्टर पूंछ के बीच मैच खेला गया। भारतीय सेना तथा हमारे पूर्वजों के एकजुटता को बनाए रखने और उन्हें सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष पूंछ लिंक कप डे का उन्हीं की देखरेख में उन्हीं की सुपरविजन में ये टूर्नामेंट हो रहा है। जो इस टूर्नामेंट को इस मार्च की ओपनिंग सेरेमनी को यहाँ पे कवर करते हैं, 6 टीमें गर्ल्स की हैं, 6 टीमें बॉयज की हैं। प्रियंका सिंह, रेजिडेंट सेक्टर हॉकी जेएनके से। आज हम यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है दुर्गा बटालियन द्वारा। ये लिंक अप डे के लिए 73rd लिंक अप डे के तहत ये एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 10 टीमें भाग ले रही हैं, 6 लड़कों की हैं और 4 लड़कियों की। आज से ये टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू किए गए हैं और ये 20th तक ये चलते रहेंगे। और मेरी आपके माध्यम के चैनल आपके चैनल के माध्यम से आपके लोगों को एक अपील है कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हमें नहीं चाहिए कि सिर्फ हॉकी में नहीं है, किसी भी स्पोर्ट्स में और बाकी टीम में उनको अवॉइड करें, बिल्कुल ख़त्म करके स्पोर्ट्स में अपना ज़्यादा तवज्जो दें। थैंक यू। मेरा नाम अनामिका बाली है और आज हम पूंछ हॉकी स्टेडियम में सब बच्चे इकट्ठा हुए हैं बिकॉज लीग मैचेस हमारे इंडियन आर्मी की 5 राजपूत यूनिट ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें 10 टीम टोटल पार्टिसिपेट करेंगे। 6 टीम बॉयज़ की है और इसमें 4 टीमें हमारी गर्ल्स की हैं। सो मैं इंडियन आर्मी का तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी, जो हर साल इन टूर्नामेंट्स को इतने एंथुसियाज्म से कंडक्ट करवाते हैं, जिसके कारण हम सब प्लेयर्स के मन में भी एक स्पिरिट बनी रहती है अच्छा खेलने की, अच्छा परफॉर्म करने की। और थैंक यू सो मच।